द क्वेश्चन गिवन इज टू फाइंड द टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो हमें मिली सेंटी का पता है कि एक होता है मिली सेंटी, डेसी मीटर, डेका हेक्टो, किलोमीटर. तो अगर हम यहाँ से देखें, हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, उसमें हमें फाइंड कर हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर. दैट इज 1 मीटर का क्यूब इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर का क्यूब. दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^6 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया. अब सेकेंड देखते हैं, तो उसमें हमें गिवन है 1 डेसीमीटर. तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर. दैट मीन्स 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10^2 मिलीमीटर. सिमिलरली 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^6 मिलीमीटर क्यूब. तो ये आ गया हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर. अब थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं, तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर होता है हमारे पास 1000 मीटर. एंड हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर. दैट मीन्स 1000 मीटर इज इक्वल टू 10^4 डेसीमीटर. दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10^4 डेसीमीटर. हमें 1 किलोमीटर क्यूब फाइंड करना. तो 1 किलोमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 10^4 डेसीमीटर का क्यूब. दैट मीन्स 1 किलोमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^12 डेसीमीटर क्यूब. तो ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर. अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं. तो फोर्थ पार्ट में हमें लीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर हम देखें 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा 10^3 मिलीमीटर क्यूब. तो 1 लीटर में हो जाएगा 10^3 × 10^3 मिलीमीटर क्यूब. दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 10^6 मिलीमीटर क्यूब. ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर. अब फिफ्थ पार्ट अगर हम चेक करें, तो फिफ्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है 5 मिलीलीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है. अब हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमें मिलीलीटर फाइंड करना, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10^3 मिलीलीटर. दैट मीन्स 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10^-3 लीटर. इसका मतलब 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10^-3 × 10^3 सेंटीमीटर क्यूब. दैट मीन्स 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर. अब सिक्स्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है 1 किलोलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर क्यूब. तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-1 डेसीमीटर. तो इससे हमें मिलेगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10^-3 डेसीमीटर क्यूब. नाउ 1 लीटर इज इक्वल टू 10^3 सेंटीमीटर क्यूब. 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10^3 × 10^3 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज 10^6 सेंटीमीटर क्यूब. तो इससे आएगा कि 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10^6 × 10^3 डेसीमीटर क्यूब. दैट इज 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 10^3 डेसीमीटर क्यूब. सो ये हो गया हमारे सिक्स्थ पार्ट का आंसर, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फॉर ऑल दी सिक्स पार्ट्स.